सब्सक्राइब कीजिए खबर इंडिया 7 को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने हाल ही में पीएम मोदी सरकार पर निशाना साध दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही और पीएम मोदी पर जमकर भड़ास निकाली। उनका कहना है कि आजकल ऐसा माहौल बन गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले को देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को उनका देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। शबाना आजमी ने इस दौरान कहा कि हम गंगा जमुनी तहजीब के पले बड़े हैं, हम इन हालातों के सामने घुटने नहीं टेक सकते। भारत एक खूबसूरत देश है, देशवासियों को तोड़ने की कोई भी कोशिश देश के लिए अच्छी नहीं होगी। शबाना आजमी यही नहीं रुकी, उन्होंने इसके साथ ही कहा कि देश की बेहतरी के लिए जरूरी है कि हम खामियों की ओर इशारा करें, यदि हम नहीं करते तो हमारी स्थिति कैसे सुधर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल आगे बनाया जा रहा है कि सरकार की आलोचना यदि हम करते हैं तो हम देश विरोधी हो जाएंगे। इससे भी हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस दौरान शबाना आजमी ये सारी बातें कह रही थी, वहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। हालांकि इसके बाद सोशल मीडिया पर शबाना आजमी को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है, उनकी जमकर आलोचना की जा रही है। यूजर्स ने उन्हें देश छोड़कर भागने की सलाह भी दे डाली है। अब देखना होगा कि इस पर शबाना आजमी का क्या रिएक्शन रहता है। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अधिक वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।